देखिए आज का दिन काफ़ी शुभ है शिवानी जी के लिए। आज ही के दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस भी है, 2 दिसंबर, और ये हमारे स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, और आज के दिन मैं अपने जिलावासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा साथ ही साथ। और मैं सभी से अपील करूँगा कि इस ज़िले के विकास में सभी अपना योगदान पॉजिटिव मैनर में देने का पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा आप सभी जान ही रहे हैं कि थर्ड वेव और कोरोना का एक खतरा जो बना हुआ है या जो हमें खतरा दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, उससे सभी को जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका अनुपालन 100% रूप से करना होगा। सर जिला भी कल शहर किया गया है, आवास पे एक जो आयोजन होता है वो होगा, उसके अलावा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों ने बंद किया हुआ है शहरी क्षेत्र में। कोविड को देखते हुए और यदि इसकी ज़रूरत पड़ती है आगे हम लोग देखते हैं। अमित जी, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न का जन्म दिवस है, और साथ ही साथ आपके सिवान जिले का स्थापना दिवस भी है। दोनों अवसर पर मैं सिवान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और आज भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में हम लोगों ने राजेंद्र उद्यान में राजेंद्र बाबू की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण करने का काम किया, जहाँ स्काउट गाइड के हमारे साथ राजेंद्र बाबू को सैल्यूट देने का काम किया। और निश्चित तौर पर ये सैल्यूट के पात्र हैं, इनकी सादगी, इनकी ईमानदारी, इनकी जीनियस। जब एग्जामिनर ने लिखा एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, तो बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और सरकार से मेरी एक मांग है ये कि इतने दिन के बावजूद, इतने वर्ष बीतने के बाद भी आज तक कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जीरा की भूमि पर नहीं आया, तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि इतने बड़े महामानव क्या मानव की भूमि पर निश्चित तौर पर वरीय जो हमारे मंत्री हैं प्रधानमंत्री, उनको आना चाहिए और राजेंद्र बाबू की विचार से पूरे देश को पूरे दुनिया को अवगत कराना चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति थे, उसके बाद भी यहाँ पे पर्यटन स्थल नहीं बन पाया और कई लोगों के स्थल को पर्यटन स्थल बना दिया गया है, क्या लगता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसके पीछे आप वोट की राजनीति कर सकते हो, सकता है कि जो जहाँ से वो आते हैं अपने देश में वोट के लिए ही सारी चीज़ें हो रही है, मुझे करने में कोई संकोच नहीं है, तो एक वो कारण हो सकता है। और वैसे व्यक्ति को किसी जाति में किसी वोट के लालच में नहीं बनना चाहिए, वो पूरे जमात के नेता है। दुर्भाग्य है हमारे माने सिस्टम का कि जो राजनेता होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको हम जातियों में बांट देते हैं और जातियों के बिना तले उनकी हम जयंती मनाते हैं। इससे भी बचना होगा, तभी जाके एक नए भारत का, एक नए समाज का, एक नए बिहार का निर्माण होगा। राजेंद्र बाबू अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे, कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा।